नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं उस महान शख्सियत के साथ जिन्होंने बहुजन समाज को जोड़ने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उनका नाम है केसी पीपल साहब और हम वो हमारे साथ हैं प्रचार कार्यक्रम के अंदर। पीपल साहब, आपका पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। पीपल साहब, एक बात बताइए, 2019 के अंदर बहुजन समाज के लोग बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, तो ये सपना कैसे सच हो पाएगा बहुजन समाज के लोगों का? कैसे बन पाएगी 2019 के अंदर बहन कुमारी मायावती की सरकार? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये सवाल उठाया है कि हम लोग भी चाहते हैं कि 2019 में बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उसके लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे बहन जी के लिए, जिससे कि सबसे पहले अपने घर को हमें दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा घर दुरुस्त होगा तो बाहर के लोग भी हमें सहयोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि ये बात तो निश्चित है कि इस समय 2019 में किसी एक दल की सरकार नहीं बनेगी। जैसे काशीराम जी का सपना था कि देश के अंदर जब तक बहुजन समाज पूरी तरह से सत्ता में काबिज नहीं हो, तब तक इस देश के अंदर किसी एक दल की नहीं बल्कि मजबूत सरकारें बननी चाहिए। क्योंकि मजबूत सरकारें जो कमज़ोर लोग होते हैं उनके लिए ज़्यादा हितकारी होती हैं, और मजबूत सरकारें मजबूत लोगों के लिए हितकारी होती हैं। इसलिए जो काशीराम साहब ने पहले जैसे परीक्षण किया था उत्तर प्रदेश के अंदर, तो पहले उन्होंने मजबूत सरकारें बनाने की कोशिश करी। 1993 में मजबूत सरकार बनी, 95 में मजबूत सरकार बनी, उसके बाद में चार बार बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा प्रदेश है उसकी मुख्यमंत्री बनी, और चौथी बार में बहुजन समाज ने पूरे बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई। जब 2007 में सरकार बनाई, 2008 का अगर आप रिजल्ट देखते हैं मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, तो राजस्थान में 6 सीटें जीते थी और 7.5 के ऊपर रिजल्ट जो है मध्य प्रदेश में भी गया था और आपका छत्तीसगढ़ में भी गया था, और यहाँ तक कि दिल्ली में 2008 का जो इलेक्शन हुआ उसमें हमने 14% वोट पाया और 2 सीटें जीती, 7 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे थे। तो दिल्ली जैसे प्रदेश में हम जब इतने भारी मतों से आगे थे, आज 1.2% वोट दिल्ली में रह गया है। तो ये सब चीज़ें एक ऐसी हैं जिस पर हमें समीक्षा करनी चाहिए, और ये समीक्षा कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता, ये स्वयं बहन जी को इसमें समीक्षा करनी चाहिए। अभी हमने साझा मकसद में एक एनालिसिस दिया था 5 स्टेट का जो इलेक्शन हुआ उसका, उसमें नीचे वाले पैरा में एक सजेशन दिया है बहन जी के लिए कि बहन जी को स्वयं अपने लेवल पे जो छोटी पार्टियां हैं जो बहुजन समाज के लिए काम कर रही हैं, उसमें अभी मैं देख रहा था जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, तो 65 से ज़्यादा जो राजनीतिक पार्टी हैं वो बहुजन समाज के नाम से बनी हुई हैं और वो पूरे देश के अंदर काम कर रही हैं, जिसमें से कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो काफ़ी सक्रिय हैं, उनका आधार है, जिसमें फूल सिंह बरैया हो सकते हैं, सुरेश माने हो सकते हैं, और इसमें क्या नाम है, महाराष्ट्र में और भी हैं, और ये अभी जो मेसराम जी हैं वो अपना संगठन चला रहे हैं बाम सेफ का, और उन्होंने भी एक बहुजन मुक्ति पार्टी के नाम से राजनीतिक पार्टी भी लॉन्च की है। अभी PPI के नाम से एक पार्टी और लॉन्च हुई है जो बाम सेफ का दूसरा ग्रुप उन्होंने बनाई है, पूरे देश में उनका नेटवर्क भी है, और छोटे छोटे जो संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं और कल्चरल संगठन हैं, इनकी एसोसिएशंस हैं एम्प्लॉयज की, जो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये जो भीम आर्मी है, भीम आर्मी काम कर रही है जो काफ़ी तेज़ी से मतलब उभरी है, और उसमें जो बहुजन समाज पार्टी का जो बेस बोर्ड था वही लोग खास तौर से भीम आर्मी के अंदर काम कर रहे हैं। जो बाम सेफ के लोग थे जो उनसे नाराज हैं बहन जी से, या बहन जी ने जिनको निकाल दिया था, या बहन जी ने जिनको पूछा नहीं है, ऐसे लोग जो है भीम आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनके लिए वैचारिक सपोर्ट भी कर रहे हैं और फिजिकल सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसलिए विवश हो करके बहन जी को उनको रोकने के लिए लोगों को बोलना पड़ रहा है कि उसको भीम आर्मी को रोका जाए, तो ये मैं समझता हूँ इससे कोई बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत नहीं होगी, बल्कि उसको और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे कि मध्य प्रदेश का अभी रिजल्ट देखें
वहां पर जो दलितों में जो उसका आधार था वो कम हुआ है, और जो अपर कास्ट में उनका आधार जरूर बढ़ा है। इस वजह से 2 सीटें उधर बहुजन समाज पार्टी के लिए मिली हैं, जबकि मध्य प्रदेश में कम से कम 11 सीटें उनके लिए मिलनी चाहिए थी। अभी हमने बरैया जी की सीट का परीक्षण किया था, जिस सीट पर जनरल सीट पर वो लड़े थे उनको 7,500 वोट मिला है, जबकि बहुजन समाज पार्टी वहाँ पे दूसरे नंबर पर है। अगर वो 1,500 के करीब वोट से हारी है और 7,500 वोट अगर उसमें जोड़ दिया जाए तो वो सीट जीती हुई थी सीधी सीधी। दूसरी एक जनरल सीट और है जिसपे फूल सिंह बरैया जी ने काफ़ी अच्छा, उनका जो कैंडिडेट लड़ रहा था उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वो सीट भी बहुजन समाज पार्टी जीत सकती थी। तो 4 सीटें तो खुली हुई हैं। इसके अलावा और जो सीटें हैं जो थोड़े थोड़े वोटों से हारी हैं, और 50 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने इनको जो कांग्रेस और बीजेपी के लिए हराया है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो मजबूत सरकार बनाने की बात है तो उन्होंने एक रोल तो अदा किया, ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि उन्होंने मजबूर राजस्थान में और मध्य प्रदेश में खास तौर से मजबूत सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा की है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में जितना अच्छा मतलब रिजल्ट आना चाहिए था उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि वहाँ बीजेपी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई और जो अपर कास्ट का जो वोट था वो कांग्रेस में पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को हम एक ही तराजू में रखते हैं, वो कोई ज़्यादा बहुत फर्क नहीं है। काशीराम जी बोलते थे कि एक नागनाथ है दूसरा जो है सांपनाथ है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। आज भी मतलब इसलिए उजागर हो रही है कि कांग्रेस से जब हमने समझौता किया कभी भी बहुजन समाज पार्टी ने, तो उसका जो अपर कास्ट का वोट था वो बीएसपी में ट्रांसफर नहीं हुआ, जबकि बीएसपी का वोट जो है उनके साथ ट्रांसफर होता है। तो इसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए जो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने मेहनत की थी, दद्दू प्रसाद जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया उत्तर प्रदेश के अंदर, और जब 1917 के रिजल्ट का हम लोगों ने परीक्षण किया तो उसमें हमने पाया कि जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों का बहुजन समाज का वोट है, दोनों को इकट्ठा जब किया तो 44% वोट था, और उनका जब वोट हमने देखा इसका बीजेपी का वो 37% वोट था। लेकिन 37% वोट वालों ने पूरे बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई हुई है, लेकिन जो 44% वोट है वो सत्ता से बाहर है। ये बड़े दुख की बात है, और ये हमारी रणनीति जो है उसकी बात है जिसमें हम फेल हुए हैं, और 44% वाला सत्ता से बाहर हो गया और 37% वोट वाला सत्ता में है। तो इसलिए हमने एक छोटी सी किताब लिखी थी जिसका नाम बहुजन संदेश था। उस किताब में हमने ये पूरे उत्तर प्रदेश में इसको बंटवाया और एक आंदोलन चलाया, उसका नाम था एजेंडा 2019, जिसमें हमने सबसे पहली मीटिंग टूलिप होटल में गाजियाबाद में की, और उसमें कुछ चुनिंदा बहुजन समाज के लोगों को बुलाया, और उसके द्वारा दूसरी मीटिंग हम लोगों ने आगरा में की, तीसरी झांसी में की और मुरादाबाद में की, नोएडा में लास्ट मीटिंग की। उसके बाद में ये बड़े खुशी की बात है कि बहन जी ने उस चीज़ को मान लिया, और जब गोरखपुर का और फूलपुर का जो इलेक्शन हुआ उसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, दोनों सीटें हम लोग जीते। उसके बाद कैराना में और नूरपुर में जो इलेक्शन हुआ उसमें भी बहन जी ने उनको समर्थन दिया, लेकिन वो दोनों सीटें भी जीते। पूरी कोशिश की गई थी हराने की लेकिन फिर भी जीते। तो इससे ये बहन जी ने जो हमारी बात थी उनको लगा कि ये बात तो सही बोलते हैं, बात कड़वी जरूर होती है लेकिन सही बात बोलते हैं, तो उन्होंने मानी। और उसके बाद में आज ये और भारी खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश में आज भी उनका जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ में वो बरकरार है, जिसमें लोक दल के लिए भी शामिल किया गया है, क्योंकि 25वें उत्तर प्रदेश के अंदर जाटों की काफ़ी तादाद है, और हमने जाटों के लिए तैयार करने के लिए जब उनका आरक्षण आंदोलन चल रहा था हरियाणा में उसमें हम लोगों ने समर्थन किया था। आज जाट जो है उन्होंने ये स्वीकार किया है कि काशीराम जी ने सबसे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो जाटों के आरक्षण का समर्थन करके उन्हें राजस्थान के अंदर आरक्षण दिलवाया था, इसलिए बहन जी ने भी उसका सपोर्ट किया था। इसलिए बड़े खुशी की बात है
कि पूरे देश के अंदर जाट जो है आज बहुजन समाज पार्टी का और बहन कुमारी मायावती जी का समर्थन कर रहे हैं, और राजस्थान में इसीलिए आज 6 सीटें जीती हैं, लेकिन 22 सीटों पर उनका बहुत भारी असर है। आने वाले समय में जैसे पिलानिया हो गए और आपके हनुमान बेनीवाल हो गए, इन्होंने कहा है कि हम जो है दलितों के साथ मिल करके आगे आने वाले समय में ना ये जो बीजेपी की सरकार बन पाएगी और ना ही इसकी कांग्रेस की सरकार बनेगी, आगे वाले समय में बहुजन समाज जैसे जैसे मजबूत होगा तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा और किसी की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन मेरा ये अनुरोध है बहन जी से, मैं आपके SM न्यूज चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे जो मिशनरी साथी हैं और जो भी पार्टियां हैं छोटी छोटी, जो छोटे छोटे संगठन हैं, चूँकि बड़े जो होते हैं उनका ये फर्ज होता है कि छोटों से वो वार्ता करें और उनके लिए सही लाइन पे चलने का मौका दें, तो बहन जी अगर चाहती हैं, सभी लोगों से मेरी बातचीत हुई है, वो लोग आना चाहते हैं, और एक बार अगर वो अपील करती हैं उनसे और अपने माध्यम से, अपने ऑफिस के माध्यम से या किसी सूत्र से उनको बुलाना चाहती हैं तो वो जरूर आएंगे और उसमें जरूर मजबूती प्रदान करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप थे KC विप्पल जी जिन्होंने बताया कि बहन कुमारी मायावती की सरकार सिर्फ एक उनके इशारे पे बन सकती है, करना सिर्फ इतना सा काम है कि जो बहुजन समाज से रुष्ट हो गए हैं व्यक्ति विशेष, उनको एक बार बोलना पड़ेगा, अपनी पार्टी में दोबारा बुलाना पड़ेगा और 2019 के अंदर बहन कुमारी मायावती की सरकार बन जाएगी। हमारे न्यूज चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि SM न्यूज चैनल के धन्यवाद देते हुए कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और इस पर फेर करें। धन्यवाद।